पिछले दिनों मथुरा दौरे पर आए प्रधानमंत्री से लोगों को निराशा हासिल हुई है। मथुरा के लोगों ने जो सपने देखे थे, न जाने वो कब पूरे होंगे। इसी बात से नाराज होकर आज समाजवादी पार्टी के पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के प्रदेश सचिव प्रदीप चौधरी ने हाईवे इलाके में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। इस दौरान सपा नेता प्रदीप चौधरी ने कहा कि मथुरा में काफी समय से यमुना सफाई की समस्या है, लेकिन केंद्र सरकार के द्वारा इस कार्यक्रम में कोई उसकी चर्चा नहीं की गई। साथ ही स्मार्ट सिटी व एनसीआर में शामिल करने को लेकर भी मथुरा के सपने को अभी तक साकार नहीं किया गया है। जबकि प्रदेश सरकार द्वारा बढ़ाई गई विद्युत दरों और आम जनमानस की कमर तोड़ दी है और इस समय देश में आर्थिक संकट गहर आया हुआ है, उस पर भी यहाँ प्रधानमंत्री द्वारा कोई चर्चा ही नहीं की गई और लोगों के रोजगार को लेकर गहराई संकट तथा उद्योग धंधे को लेकर भी कोई अच्छा उपाय अभी तक प्रधानमंत्री द्वारा नहीं निकाला गया। इसके साथ ही किसानों को उनकी फसलों का मनमाफिक मूल्य नहीं मिल पा रहा है। सरकार गरीबों को स्वास्थ्य, शिक्षा और सुरक्षा देने में असमर्थ साबित हुई है। यह सरकार केवल लोगों को बरगलाकर राष्ट्र धर्म और राष्ट्रवाद के नाम पर बांटने का काम कर रही है। पूरे प्रदेश में समय अराजकता का जैसा माहौल पैदा हो गया है, जो कि निकटवर्ती समय में हमारे देश के संविधान के लिए भी घातक साबित हो सकता है। इसका उद्देश्य यह है कि 11 तारीख को जनपद मथुरा में देश के प्रधानमंत्री जी आए थे और काफी लंबे समय से उनको आने की तैयारियां की गई थी। काफी 20 से 25 करोड़ रुपए खर्च उनके आगमन को लेकर आम जनता की गाड़ी कमाई का खर्चा हुआ है और जनपद मथुरा को जैसे ही खबर लगी देश के प्रधानमंत्री माननीय प्रधानमंत्री जी मथुरा आ रहे हैं तो बहुत सारी उम्मीदें, बहुत सारा भरोसा, तमाम ऐसी चीज़ें आस लगाए ब्रजवासी बैठे थे कि हम लोगों ने जिस बहुमत से सांसद महोदय को चुना है, जिस बहुमत से देश की सरकार बनाई है, प्रदेश की सरकार बनाई है, इस बार प्रधानमंत्री जी हम आकर जिस दिन आएंगे इस ब्रज की सारी समस्याओं को दूर करके उन पर मरहम लगा जाएंगे। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि इतने भारी बहुमत के बाद इस प्रदेश जिले की जनता हेमा मालिनी की जो जी को तो खोज रही है। और रही बात प्रधानमंत्री जी की, माननीय प्रधानमंत्री जितना पैसा उनके आगमन पर खर्च हुआ, बहुत लंबी मांग इस प्रदेश की थी, जिले की थी, यमुना शुद्धिकरण, उस पर प्रधानमंत्री जी ने एक शब्द नहीं बोला। बंदरों की बड़ी समस्या, उस पर एक शब्द नहीं बोला। ये देश आर्थिक मंदी से जूझ रहा है, रोजगार खत्म हो गए हैं, नौजवान बेरोजगार हो गया, लाखों नौकरियां डेली जा रही हैं, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी केवल जहां भी जाते हैं, अपने हरियाणा में चुनाव है तो मथुरा में सभा करके हरियाणा का एजेंडा साध गए। इसी तरीके से आज बिजली की दरें जो बढ़ गई हैं, इतनी गरीब जनता आज अपने घर में उजाला करने की हैसियत में नहीं है। पत्रकार साथी अगर सही दिखाते हैं तो उन पर फर्जी मुकदमा लिख के उनको जेल भेज दिया जाता है। आप चालान पे आ जाइए, जिस तरीके से परिवहन विभाग ने जो उसने चालानों की दर बढ़ाई है, एक एक व्यक्ति के घर 10-10 हजार रुपए का चालान भेज रहा है। इधर तो नौकरी नहीं है, कोई बच्चा 5 हजार रुपए कमा नहीं सकता है और 10-10 हजार रुपए, 15 हजार रुपए, 20 हजार का उसका चालान हो रहा है। इसी तरीके से जनपद मथुरा में हमें भी उम्मीद थी कि जो प्रोजेक्ट, जो विकास कार्य माननीय अखिलेश यादव जी ने, चाहे वो रिवर फ्रंट हो, चाहे वो गोवर्धन बाईपास हो, चाहे गोवर्धन नंदगांव बरसाना कोसी चाथा फोर लेन हो, जो 488 करोड़ रुपए के काम विकास कार्य माननीय अखिलेश यादव जी ने चालू किए थे, हो सक इन लोगों ने उनको बंद कर दिया। ये भी उम्मीद लगाए बैठी थी ब्रज के लिए, जो अधूरे समाजवादी पार्टी के सरकार के विकास कार्य हैं, जिनसे जिले को एक नाम मिलती, पहचान मिलती, तीर्थ स्थल है ये, उन पर भी उन्होंने 2 रुपया देने का काम नहीं किया है। बहुत बड़े दुर्भाग्य की बात है, जब भी अखिलेश यादव जी मथुरा आते थे 200 करोड़, 700 करोड़, 500 करोड़ से कभी रुपया कम दे के नहीं गए। 2.5 साल की सरकार में योगी आदित्यनाथ जी 15 बार मथुरा आ गए और 3 बजट उत्तर प्रदेश सरकार के चले गए। 10 रुपए की चनोरी के लिए भी पैसा इन लोगों ने इस जिले को नहीं दिया है। देश का प्रधानमंत्री ये माना जाता है, जब किसी देश के प्रधानमंत्री किसी जिले में जाते हैं तो ये माना जाता है 2000, 4000, 5000 करोड़ रुपए अमूमन वो जिले को देके जाते हैं। जिले की मूल समस्याएं, ये सारी समस्या इनको केवल चुनाव में याद आती है। आम जनता को धर्म के नाम पे लड़ाने का काम कर रहे हैं, विकास इनका कोई उद्देश्य नहीं है। आज हमारे देश की हालत ये है कि हमारा जो रुपया है भारत का, वो बांग्लादेश के टके से भी नीचे आ गया है। अब इसको ढेले पे ले जाने का काम प्रधानमंत्री जी करेंगे, इससे बड़े दुर्भाग्य की बात कोई नहीं है। इसी सिलसिले में आज हमने प्रेस वार्ता रखी है और जनता को आपके माध्यम से
सारे प्रदेश की और देश की और जिले की जनता को बताना चाहते हैं कि ये लोग गुमराह करने के अलावा विकास इनका कोई एजेंडा नहीं है। आज तक मथुरा में माननीय अखिलेश यादव जी ने तमाम प्रोजेक्ट, चाहे मुर्गी मच्छी फाटक पे पुल हो, रेलवे का पुल हो, मल्टी लेवल पार्किंग हो, साइकिल ट्रैक हो, रिवर फ्रंट हो, पॉलिटेक्निक हो, मॉडल स्कूल हो, तमाम विकास कार्य, चाहे पुलिस ऑफिस हो, महिला थाना हो, तमाम विकासों की लाइन लगा दी समाजवादी सरकार ने। इन लोगों ने उन सारे काम को रोकने का काम किया है। गोवर्धन विश्व पटल पर धार्मिक स्थान रखने वाला जगह है, वहाँ जितने भी फोर लेन चालू होते किसी पे एक रुपया ना देने का काम किया है। और आज जिले की हालत ऐसी हो गई है कि आप किसी रोड पर निकल नहीं सकते हैं। इसलिए हम सभी से और जनता से और मांग करते हैं कि इन सारे कृत्यों की भारतीय जनता पार्टी की हम निंदा करते हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी कहना चाहते हैं कि जहाँ भी जाएं जनता की समस्या का निराकरण करने आएं, जनता को परेशानी में डालने नहीं जाएं। उन लोगों ने जिस तरीके से अपने स्वागत सम्मान के लिए 25-30 करोड़ रुपए की यहाँ बर्बादी की है, अगर इसी पैसे को जनता के बीच में दे जाते गरीबों को इलाज मिलता, शिक्षा मिलती, स्वास्थ्य मिलता। ये लोग बिल्कुल फेल हैं और केवल भाई से भाई को लड़ाने का काम कर रहे हैं। यहाँ पत्रकार सुरक्षित नहीं है, रोजगार सुरक्षित नहीं है, बहन बेटी सुरक्षित नहीं है, यहाँ बहुत बुरा हाल है। इसी सिलसिले में आज सभी के माध्यम से पत्रकार साथी जो इस देश के चौथे स्तंभ कहे जाते हैं, मैं ये भी मानता हूँ कि इस समय आपका भी स्वाभिमान खतरे में है, लेकिन उसके बावजूद भी मैं मानता हूँ ये सारी बातें आप जनता को दिखाएं। JBD Banquets लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, world class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting, a perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. aise hi latest khabre paane ke liye bell icon ko click kar hamare channel ko like, share and subscribe kare. dhanyawad.